नमस्कार, मैं हूं आपके साथ में श्वेता गर्ग और आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। आइए नजर डालते हैं उत्तर प्रदेश की कुछ खास खबरों पर। अयोध्या में योगी सरकार के होने वाले पांचवें दीपोत्सव की तैयारियां जोरों पर शुरू हो गई हैं, जिसमें अवध यूनिवर्सिटी के इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट ने फाइन आर्ट की तरफ से 900 से 50 लाख दीपों का टारगेट रखा गया है और तरह तरह के मनमोहक कलाकृतियां राम के जीव पर जर पर बनाई गई है। और फाइन आर्ट की तरफ से अब की मुख्य मंच के सामने माता शबरी राम जी के बेर खिलाते दीपों के चित्रण किया जाएगा और एक अनोखा दृश्य देखने को मिलेगा। इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट के प्रोफेसर फाइन आर्ट के समन्वयक विनोद श्रीवास्तव ने कहा कि हर साल की तरह इस साल भी अवध विश्वविद्यालय अपना ही रिकॉर्ड तोड़ेगा और रिकॉर्ड तोड़कर 950 लाख दीपों को 32 घाटों पर जलाकर नया रिकॉर्ड स्थापित करेगा, जिसमें फाइन आर्ट की तरफ से 150 बच्चे तरह तरह की कलाकृतियां, चित्रण और मनमोहक रंगोली की कार्य प्रस्तुत करेंगे। भगवान श्री राम जी जहाँ पे विराजमान है वहाँ पर रंगोली का जो सजावट था, हमारी विभाग की फैकल्टी डॉक्टर शंकर द्विवेदी और सुश्री रीमा सिंह ने अपने निर्देशन में बहुत ही प्यारी रंगोली सजाई। आपने देखा होगा कि फूल से ही राम को वहाँ पर डेकोरेट किया गया। तो महामहिम राष्ट्रपति जी भी, कोविंद जी भी काफ़ी उसको अप्रिसिएट किए। तो विभाग निरंतर अच्छा काम करता है। तो 11 रंगोली का कॉन्सेप्चुअल रंगोली का हम लोग का प्लान है कि उसको बनाने में हम सफल होंगे, तो निश्चित रूप से जो भी लोग उसमें प्रतिभाग करेंगे, जो भी लोग उसमें आएंगे, निश्चित रूप से उनका वो मन मोहेगा और ये जो अयोध्या का दृश्य होगा ये वास्तव में बहुत ही रमणीय होगा, जिसके लिए पूरा विश्वविद्यालय प्रशासन लगा हुआ है और विश्वविद्यालय प्रशासन अपने स्तर पर किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं करेगा। अभी अयोध्या के सौंदर्यीकरण के दायित्व में भी विश्वविद्यालय प्रशासन के फाइन आर्ट डिपार्टमेंट ने अपना योगदान किया है, जिसमें डॉक्टर द्विवेदी को संयोजक बनाया गया था और उनके संयोजन काल में जो भी वर्क है वो काफ़ी अच्छे से चल रहा है। तो शासन निरंतर फाइन आर्ट डिपार्टमेंट की ओर देखता है और विश्वविद्यालय की ओर देखता है। और फाइन आर्ट डिपार्टमेंट, मैं आपको बताना भी चाहता हूँ कि अभी 2017 में इसकी स्थापना हुई और आज यहाँ पे कुलपति जी की प्रेरणा से हम BFA, MFA और PhD तक के कोर्स यहाँ पे लॉन्च हो गए हैं। तो बच्चे भी अच्छा आ रहे हैं। तो हमारी जो परंपरागत परंपराएं हैं, कला जो कलाएं विलुप्त हो रही थी, इस डिपार्टमेंट के खुलने से हम अवध की लोक कला को पुनर्जीवित करने में सफल हो रहे हैं। जैसे कि हम लोग खुद ही रिकॉर्ड बनाते हैं और खुद ही तोड़ते हैं, ये हम लोगों का खुद का रिकॉर्ड है, तो इस बार भी हम लोग अपना ही रिकॉर्ड तोड़ेंगे और लगभग 9 लाख दियों से हमारा घाट सजेगा। बट हम दियों को एक नॉर्मल तरीके से नहीं लगा के समथिंग डिफरेंट तरीके से लगाते हैं। जैसे कि हम लोगों ने राम दरबार बनाया था जो कि पूरे विश्व में फेमस हुआ और आप जब देखेंगे पिछले दीपोत्सव की इमेज तो राम दरबार उभर के आता है जो एक आकर्षक और मनोहर रूप देता है अयोध्या को। इसी तरह हम लोगों ने इस बार जो कथा चुनी हो सबरी जी से, क्योंकि सबका साथ सबका विकास मोदी जी का नारा है, तो उसमें हम सबरी प्रसंग की कथा को चित्रित करेंगे 40x40 फिट पे और दियों से उभारेंगे और उसे 3D इफेक्ट देते हुए उकेरेंगे। उसमें रंगोलियां भी राम कथा से रिलेटेड फिगरेटिव होंगी, जो फिगर्स में राम कथा कही जाएंगी वो होंगी। और इस बार हम लोगों ने कुछ स्कल्पचर्स की भी थीम रखी है जो राम जी से ही रिलेटेड होंगी, उनको भी हम वहाँ पे जो समथिंग 21 आपके स्कल्पचर्स होंगे, 11 आपकी रंगोली होगी और 40x40 में हमारी सबरी के प्रसंग की कथा होगी और इसे हम दियों से। खबर अयोध्या से है, जहां परिवर्तन यात्रा लेकर समाजवादी पार्टी के महाराष्ट्र इकाई के प्रदेश अध्यक्ष और विधायक अमृत आसिम आजमिया आज अयोध्या पहुंचे, जहां समाजवादी पार्टी कार्यालय पर गर्मजोशी के साथ सपा पार्टी के पूर्व राज्य मंत्री पवन पांडे और गोसाईगंज के विधायक अभय सिंह और पार्टी के पदाधिकारियों ने जोरदार स्वागत किया। इस दौरान मीडिया से मुखातिब होते हुए महाराष्ट्र इकाई के सपा प्रदेश अध्यक्ष अबू आजमी ने भाजपा को भ्रष्टाचारी सरकार बताया है और उन्होंने कहा कि भाजपा ने देश को बर्बाद कर दिया है। समाजवादी पार्टी पर आज तक कोई भी आरोप नहीं लगा। अबू आजमी ने शाहरुख खान के बेटे के NCP की गिरफ्तारी पर कहा कि काम कम हो रहा है, पब्लिसिटी ज्यादा हो रही है, मुंबई में स्लम बस्तियों में होता है और नशे का कारोबार, लेकिन उनको पकड़ने से न्यूज नहीं बनती है। भ्रष्टाचारी होते हैं वो ये बात कर रहे हैं, इन्होंने देश को बर्बाद कर दिया। समाजवादी पार्टी पे आज तक कोई ऐसा आरोप नहीं लगा है। 2012 से 17 तक जितना काम किया, आज की जनता इनको हटा करके वो ये काम याद कर रही है। अब ये घबराए हुए हैं, इस तरह की बातें कर रहे हैं। दूसरा ये है कि आर्यन खान और एनसीपी वाले मामले में क्या लगता है आपको, किस तरह से नए नए खुलासे रोज हो रहे हैं? देखिए, ऐसा है ना कि जो NCP कर रही है ना,
वो ज़्यादातर जो लोग हैं इसको पब्लिसिटी ज़्यादा कर रहे हैं। ऐसे मुंबई में ही कम से कम ऐसे ज़बरदस्त लोग हैं जो नशे का काम करते हैं, लेकिन वो स्लम में हैं, झोलपट्टी में हैं, गरीब हैं, उनको पकड़ने से न्यूज़ बनती नहीं। न्यूज़ बनती है शाहरुख खान के बेटे को पकड़ें, कोई ऐसे सेलिब्रिटी को पकड़ें, तो ये इसमें इश्तहार ज़्यादा हो रहा है। कांग्रेस की प्रतिज्ञा यात्रा को लेकर कांग्रेस प्रदेश प्रभारी नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने प्रेस वार्ता करते हुए बयान दिया है। नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने बीजेपी पर हमला करते हुए कहा कि प्रियंका गांधी का काम जुमलेबाजी वाला नहीं है। आगे कहा कि लखीमपुर घटना के मृतकों के परिजनों को पंजाब छत्तीसगढ़ के सीएम ने 50-50 लाख आर्थिक मदद दी है, लेकिन बीजेपी सरकार अपराधियों को रोकने में नाकाम कर रहे हैं। आप भी सुनिए नसीमुद्दीन सिद्दीकी का ये बयान। हम जो भी प्रतिज्ञाएं करते हैं हम उसको पूरा करते हैं। हमारा काम, हमारी पार्टी का काम, हमारी नेता श्रीमती प्रियंका गांधी वाड्रा का काम जुमलेबाजी नहीं है। आज प्रियंका गांधी जी के निर्देश पे आज हम लोग प्रतिज्ञा यात्रा लेकर के निकले हैं, विस्तार से आपको बता दिया है। मैं सिर्फ ये कहूँगा कि जैसा बताया कि छत्तीसगढ़ में हमारी सरकार है, वहां पर 2500 रुपए क्विंटल गेहूं के दाम और 2500 रुपए क्विंटल धान के दाम का दाम का कीमत का भुगतान किया जा रहा है। हम कहते हैं तो कर। सीतापुर के नगर पालिका परिषद मिश्रित न्यायमिश्रण में पल्लविका बोर्ड की बैठक हुई। इस बैठक में कामों को लेकर बातचीत हुई। इस दौरान कूड़ा उठाने वाली ठेलिया, दो वाटर टैंक और एक 10 सीटर संचालक मोबाइल शौचालय की स्वीकृति और किस मत तक किस फर्म तक खरीदे गए हैं उस पर पूछताछ की गई। भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन का दावा करने वाली भाजपा सरकार के कार्यालय में सामान खरीदे गए पर सामग्री में लाखों रुपए के घोटाले का आरोप लगाया जा रहा है। आरोप लग रहा है कि बिना पालिका बोर्ड की बैठक आयोजित किए ही अपनी चहेती फर्मों से लाखों रुपए की सामग्री खरीदी गई। अब लोगों का सवाल ये है कि इन घोटालों का जिम्मेदार कौन है। पालिका में लंबे समय से तैनात घोटालों में चर्चित अधिशासी अधिकारी और आर और निगम नगर पालिका परिषद के मामले को लेकर गंभीर आरोप लग रहे हैं। बलिया में आयोजित विकासशील इंसान पार्टी के जनचेतन रैली में वीआईपी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और बिहार सरकार में मत्स्य और पशुपालन विभाग के कैबिनेट मंत्री मुकेश सहनी शामिल हुए। कैबिनेट मंत्री मुकेश सहनी की अनोखी पहल देखने को मिली है। अब तक नाव की सवारी करने वाले छोटे छोटे गरीब बच्चों और बूढ़ों को अपने हेलीकॉप्टर से जिले की कराई है सैर। मंत्री ने कहा, निषाद पार्टी का बेटा अब नाव की सवारी नहीं हेलीकॉप्टर की सवारी करने लगा है। वहीं पहली बार हेलीकॉप्टर की सवारी करने वाले बच्चों ने कहा कि बड़े होकर पायलट बनेंगे। कैबिनेट मंत्री मुकेश सहनी ने कहा कि यूपी में 165 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। बेटा सिर्फ नाव पे नहीं घूमने वाला, अभी हेलीकॉप्टर का सवारी करने लगा है और मैं चाहूंगा कि मेरे देश में हमारे निषाद का बेटा वो इसी तरीके से हेलीकॉप्टर पे घूमे। मुझे लगा कि आज हमारे बुजुर्ग गार्जियन दो बच्चे तीन बच्चे को आज हेलीकॉप्टर पे घुमाना था तो मैंने आज उनको घुमाया और यही देख कर समाज जियेंगे और अपने आने वाले पीढ़ी के। बलरामपुर में जिला पंचायत अध्यक्ष ने कोरोना वॉरियर्स को सम्मानित किया। जिला पंचायत अध्यक्ष ने कहा कि कोरोना काल में डॉक्टरों ने अपनी जान की बाजी लगाकर लोगों का इलाज किया है और डॉक्टरों ने हजारों लोगों की जिंदगी बचाई है। इसी के साथ संयुक्त जिला चिकित्सालय में कोरोना काल में डॉक्टरों ने प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। सम्मानित हुए लोगों की लिस्ट में मुख्य चिकित्सा अधिकारी सहित सैकड़ों डॉक्टर्स भी शामिल हैं। विश्व हिंदू परिषद की हिंदूवादी नेत्री साध्वी प्राची अलीगढ़ के टप्पल में हिंदू जागरण अभियान के तहत एक कार्यक्रम में भाग लिया। कार्यक्रम के दौरान एक फिल्म अभिनेता का नाम लिए बगैर कहा कि जब सड़क पर पटाखे नहीं जला सकते तो देश की सड़कों पर नमाज भी नहीं अदा होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि एक अभिनेता सुर्खियों में है क्योंकि उनका बेटा ड्रग्स केस में फंसा है, जिन्होंने कहा था कि हिंदुस्तान की सड़कें पटाखे फोड़ने के लिए नहीं है, सड़कों को खुली छूट देनी चाहिए ताकि सफर करें। उन्होंने
दिवाली आने के मौके पर कहा कि हिंदुस्तान की सड़कें पैदल चलने और सफर करने के लिए बनाई गई हैं। हम इसे स्वीकार करते हैं और पटाखे अपने घरों में फोड़ लेंगे। देश की सड़कों पर सफर होना चाहिए, गाड़ियां चलनी चाहिए और लेकिन सड़क पर नमाज नहीं होनी चाहिए, यह बंद होना चाहिए। और साध्वी प्राची ने कहा कि कुछ लोग मेरे बयान को विवादित बना देते हैं। ये हमारे बड़े भाई है आदरणीय महामंडलेश्वर सत्यानंद जी महाराज, उनको हिंदू महासंघ का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष घोषित किया गया। उनके शपथ ग्रहण समारोह में हम उपस्थित हुए। यहाँ पर तो आपने ये कहा था कि नमाज नहीं पढ़ी जाएगी, ये क्या है? हिंदुस्तान की सड़कें केवल यात्रा करने के लिए है ना, पटाखे फोड़ने के लिए नहीं। हिंदुओं का मखौल कोई भी उड़ा देता है, तो हिंदुस्तान की सड़कों पर नमाज भी नहीं होनी चाहिए, नमाज भी हिंदुस्तान की सड़कों से बंद होनी चाहिए। फतेहपुर में स्वच्छ भारत मिशन की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। आदर्श गांव और डिजिटल इंडिया की दुहाई देने वाले लोगों की पोल खुल गई है। इलाके की हालात ऐसे हैं कि लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कस्बे वापसी जल भराव की समस्या से परेशान है। जल भराव की समस्या से निजात पाने के लिए कस्बेवासी अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों की राह देख रहे हैं। इलाके के लोगों का कहना है कि कई बार उच्च अधिकारियों को परेशानी के बारे में बताया गया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। प्रशासन की तरफ से केवल कोरा आश्वासन ही मिल रहा है। तालाब के गंदे पानी से संक्रामक बीमारियों के फैलने की खतरा मंडरा रहा है। मिर्जापुर के सदर तहसील क्षेत्र के चंदईपुर क्षेत्र के लेखपाल धर्मराजपाल विद्यालय प्रबंधक के खिलाफ मामला दर्ज कराया गया। कटरा कोतवाली इलाके के आवास विकास कॉलोनी निवासी प्रबंधक के खिलाफ भीटिका की जमीन को कूट रचित कागजात के आधार पर अपने नाम दर्ज कराने पर मामला दर्ज कराया गया था। थाना प्रभारी काशी सिंह ने दल बल के साथ उनके आवास गिरफ्तार किया गया। 30 सालों से सार्वजनिक भूमि खेल के मैदान पर अवैध कब्जा करने और कूटर रचित तरीके से अभिलेखों में नाम अंकित कराने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है, जिसके विरुद्ध तहसील स्तरीय एंटी भू माफिया फोर्स की बैठक में उपजिलाधिकारी सदर द्वारा शेष नारायण की भू माफिया के रूप में चिन्हित किया गया था। 1956 से एक राजस्व विभाग के अधिकारियों द्वारा एक जांच चल रही थी, जिसके संबंध में जांच के बाद जो है एंटी भूमाफिया टास्क जो के माध्यम से एक भूमाफिया चिन्हित हुआ था मिश्रा जी से, शरण मिश्रा, जिनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ था 4/9/2021 को थाना कोतवाली देहात जनपद मिर्ज़ापुर में। जांच और तफ्तीश से अब तक की जो तफ्तीश हुई है उसमें ये पाया गया कि इनके द्वारा कहीं न कहीं से खेल के मैदान की जमीन को और एक भीटा को जो है इस प्रकार कुल 3। फतेहपुर के किशनपुर थाना क्षेत्र के गढ़ ग्राम पंचायत में 7 वर्षीय मासूम की ट्रैक्टर की चपेट में आ जाने से तड़प पर दर्दनाक मौत हो गई। मासूम की मौत की जानकारी पर परिजनों ने खूब हंगामा किया। परिजनों के हंगामे की जानकारी मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। विवाद का बढ़ता हुआ देख पुलिस ने परिजनों को समझाया और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। थाने अध्यक्ष आशुतोष सिंह ने बताया कि पीड़ित की तहरीर मिली है और तहरीर के आधार पर कार्रवाई की जा रही है। उत्तर प्रदेश की अब तक की खबरों में बस इतना ही, और देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। नमस्कार।